IIM, हर एक कैट एस्पिरेंट का सपना। पता है IIM एक सिर्फ कॉलेज नहीं है, ये एक फीलिंग है यार, सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरे भाई की, मेरे पेरेंट्स की, मेरे फैमिली की, इवन मेरे फ्रेंड्स की। इस IIM की डिग्री के लिए पहले 2 साल कैट की मेहनत की है, फिर 2 साल MBA में आया हूँ, हजारों लाखों नई चीजें सीखी हैं, फिर उसके बाद 20-25-30 लाख फीस भी देते हैं हम, एज वेल एज फिर प्लेसमेंट भी मिलती है, एंड फाइनली इसी दिन का इंतजार रहता है। तो यस, ये है मेरी IIM डिग्री जो मुझे अभी थोड़े दिन पहले ही मिली है। तो यार Part 1 में मैंने आपको दिखाया था Day 1 और Day 2, एंड Day 3 फाइनल था हमारा कॉन्वोकेशन डे। Day 2 में हमारी रिहर्सल हुई थी, एंड इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा अपना कॉन्वोकेशन व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू केशव ग्रोवर्स व्लॉग। सो आज कॉन्वोकेशन है और ये हमारा 3rd डे है अभी, एंड हम सुबह 6 बजे से उठे क्योंकि हमें 8 बजे तक रेडी होना है पूरा प्रॉपर, एंड फिर कॉन्वोकेशन सेंटर जाना है। देखो सूझ गई है दोनों की। हाँ सोए 2-3 बजे थे, दो तीन बजे या तो लेट्स सी, देखते हैं कैसे होता है क्या होता है। अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट भी सिर्फ 1 घंटा अवेलेबल। हाँ जल्दी से रेडी होएंगे, कुर्ता वुर्ता डाल के चलेंगे, स्वैग से। चलो स्वैग से करेंगे हमारा स्वागत। चलो भाई रुक जा। हम वो देखते ना ब्लैक हैट ऐसे उड़ाते हैं, बट हमारी कॉन्वोकेशन बिल्कुल डिफरेंट थी। आई एम जम्मू की ऐसे अलग एक यूनिक ड्रेस है जो हमारे कुर्ता पजामा, कुर्ता है सिल्क कुर्ता एंड व्हाइट पजामा, एंड इसके साथ है हमारा एक अंग वस्त्र जो है ऑरेंज कलर का, तो ऐसे फुल एथनिक वाइब्स आ रही थी। सब लड़कों ने कुर्ता पजामा पहना था, लड़कियों ने साड़ी पहनी थी एंड सेम अंग वस्त्र। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय कॉन्वोकेशन व्लॉग सीरीज, एंड आज है Day 3। सब लोग तैयार हो चुके हैं, फोटोज वोटोज ले रहे हैं, दिखा दे। एंड अभी बसेस रेडी हैं, बस हम निकलने वाले हैं। आपको मैं वहीं मिलता हूँ कॉन्वोकेशन सेंटर पे। आप सबके चेहरों पे देखोगे ना यार, एक अलग सी खुशी थी, एक अलग ही एक्साइटमेंट थी, क्योंकि यार ये ना ये लास्ट डे था जब हम सब एक बार फिर से अपनी MBA लाइफ जी रहे थे, जैसे तैसे करके मिल रहे थे सबको। तो कॉन्वोकेशन सेंटर पहुंचने के बाद हम जाते हैं हॉल में, जहाँ पे यार ऐसे सभी स्टूडेंट्स थे, ऐसे अलग सी फील आ रही थी यार। जैसे हमने पहले रिहर्सल की थी एक दिन पहले, हमें ग्रुप फोटो में कहाँ कहाँ एग्जैक्टली खड़ा होना है, हमने अपनी पोजिशन ले ली, एंड वी आर वेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट, एंड चीफ गेस्ट है हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो हम ऑलमोस्ट यार 1 घंटा आधा घंटा यहाँ लाइन में खड़े रहे, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने पूरा स्ट्रेटेजिकली खेल के मैं अपने सही जगह पर खड़ा हो गया था कि यार मैं तो सेंटर में ही आऊंगा। यहाँ पे खड़े होते थे, मैं सिर्फ चीफ गेस्ट की वेट नहीं कर रहा था, मैं वेट कर रहा था अपनी फैमिली की, क्योंकि यार मैं अपनी फैमिली को अपने साथ लेके आया था जम्मू, मेरे मम्मा पापा एंड मेरा भाई, एंड स्पेशली मैंने अपने भाई को फॉर्मल्स पहनाए थे, मम्मा ने अच्छा सूट पहना था, एंड फाइनली मेरे डैड को मैंने अपना उनका फर्स्ट फॉर्मल सूट दिलवाया था अपने खुद के पैसों से। So I was really excited to see him, क्योंकि मैंने भी पहले उनको रेडी नहीं देखा था। एंड इसी बीच चीफ गेस्ट से पहले मेरी फैमिली एंटर होती है, एंड मैं उनको हाय बाय बोलता हूँ, एंड आई फेल्ट रियली हैप्पी। इसके बाद हमारे चीफ गेस्ट आते हैं, एंड सिर्फ 30 सेकेंड में हमारा फोटोग्राफ भी कम्प्लीट हो जाता है। यही होता है यार मैनेजमेंट, कि हमने उनका टाइम वेस्ट नहीं होने दिया, पहले रिहर्सल करके रखी थी। MBA स्टूडेंट्स है यार आके। Also, if you are a CAT aspirant and तुम struggle कर रहे हो यार, कोई ऐसी coaching institute मिले that is providing quality content with affordable prices, तो PW1 is one of the best choices, जो कि लाखों student की number one choice भी है। And अभी again वो अपना एक नया batch ले आए हैं MBA Ignite नाम से, ये batch start होने वाला है 17 जुलाई से। And की खास बात है कि आपको इसमें 75 plus recorded and live classes मिलेंगी, आपको class notes मिलेंगे, doubt solving sessions मिलेगा, mock test मिलेगा, ईच एंड एवरी थिंग यू विल गेट इन दिस सिंगल बैच। जनरली इसका प्राइस रहता है 5999, क्योंकि अभी ऑफ चल रहा है, एंड आप अगर मेरा कोड भी लगाओगे तो आपको फर्दर ऑफ मिलेगा। यू कैन यूज माई कोड KG500, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, एंड आपका फाइनल अमाउंट काफी कम हो जाएगा। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, चेक आउट देयर कोर्स एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर वीडियो। फिर उसके बाद सबके सब हम गए कॉन्वोकेशन सेंटर में, यानी कि कॉन्वोकेशन हॉल में। बहुत ही प्यारा हॉल था यार, एक दिन पहले ही हमने रिहर्सल में डिसाइड कर लिया था कौन कहाँ बैठेगा, किस लाइन से जाना है, ताकि एक सेकंड भी वेस्ट ना हो। एक साइड स्टूडेंट्स बैठे हैं, एक साइड मीडिया बैठा है, एक साइड उसके पेरेंट्स बैठे हैं, टीचर्स अलग से बैठे हैं, पूरा सब पहले ही डिसाइडेड था। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू एंड कश्मीर श्री मनोज सिन्हा जी, चेयरमैन BOG IIM जम्मू डॉक्टर मिलिंद कांगड़े जी, मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ IIM जम्मू, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स, एंड उसके बाद
प्राइजेस रिकॉग्निशंस मिलते हैं हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट, सिल्वर मेडलिस्ट एंड ब्रॉन्ज मेडलिस्ट होते हैं, यानी कि टॉप 3 लोगों को, इनको काफी अच्छे सारे स्पेशल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, मेडल्स मिलते हैं, एज वेल एज इनको कैश प्राइजेस भी मिलते हैं। उसके बाद हमारे सभी गेस्ट एक एक करके स्पीच देते हैं, बीच में लंच टाइम भी होता है, एंड फाइनली फिर बारी आती है हमारी डिग्रीज कलेक्ट करने की। तो एक एक करके वेट हो रही होती है, सब स्टूडेंट्स लाइन से जाते हैं, एंड फाइनली जब मैं भी स्टेज पे होता हूँ मेरा नाम भी आता है, एंड फाइनली मुझे भी ये डिग्री मिलती है। तो इसके बाद मैंने मम्मा पापा और अपने भाई के साथ फोटोज ली, वीडियोस ली, बहुत खुश थे। मैंने दोस्तों से मिलवाया अपने पेरेंट्स को, मैं दोस्तों के पेरेंट्स से मिला, बहुत अच्छा लगा यार, बहुत खुशी हुई मुझे भी, क्योंकि ऐसे कुछ कुछ मेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स मुझे रिकॉग्नाइज कर रहे थे, वो मेरी वीडियोस देखते थे, तो वैसे बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही थी यार, बहुत अच्छा दिन था मेरे लिए वो। सबसे पहले तो यार क्योंकि तो मेरी फैमिली मेरे साथ थी, उनका भी ये सपना था, एज वेल एज सबसे मिलना, मतलब तो बहुत बहुत प्यारा दिन था वो। तो बताओ ऐसा डिग्री के साथ खड़ा होके मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ ना यार, आई नो तो थोड़ा सा चंपू लग रहा हूँ, बाल थोड़े से अलग हो गए थे यार, सुबह से बैठे थे ना। तो इसके बाद यार मैंने सबसे पूछा सान्या से, फाल्गुनी से, भाविका से, स्वाति से, कैसा रहा दिन, उनका एक्सपीरियंस कैसा था, चलो उनसे पूछ भी लेते ही हैं। सो गाइस इसी के साथ हमारी कॉन्वर्सेशन एंड होती है, एंड पूछते हैं हमारे फ्रेंड से तुम कैसा फील हो रहा है। बताइए सान्या जी कैसा लग रहा है आपको? I'm feeling very good and very bad at the same time, क्योंकि अब वापस से इस कैंपस पे आने का मौका नहीं मिलेगा। सही में यार, एंड हमने दो तीन दिन लाइफ दोबारा जी लिया, बहुत एंजॉय किया गाइस। ऋषिकेश तुझे कैसा लग रहा है? ऋषि इज वेरी हैप्पी क्योंकि फाइनली उसको डिग्री मिली। मतलब हैप्पी तो, बट आज कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा यार, क्योंकि ये एक दिन पता था हमें कि हम फिर से मिलने वाले हैं, बट आगे कब सब लोग इतने साथ एक साथ मिलेंगे ये पता नहीं। सो सही में यार। हां जी स्वाति जी कैसा लग रहा है आपको? भाविका जी आपको कैसा लग रहा है? कौन कैसा कहता हूँ, बहुत अच्छा है, तमीज वाला भी लिया हुआ है, उदास वाला, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आया, ये मूवमेंट हमेशा याद रहेगा। और एमबीए जर्नी कैसी रही? एमबीए जर्नी बहुत अच्छी थी, मजा आया। हाँ जतिन जी क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है, फाइनली डन विद एमबीए। मिस करोगे? बहुत बहुत, दो महीने से मिस कर रहा हूं और अभी तो पता नहीं कब आना। क्या लोकेशन है? बैंगलोर। हाँ भाई श्री मसीह भाई, ये तो हम साथ साथ जाने वाले विनकिलम, मिलेंगे वहाँ पे जल्दी। इसके बाद हम अपनी पार्टी करने गए, ग्रेजुएशन शॉर्ट्स ली, फाइनली रात को आए हॉस्टल में, फिर से पार्टीज चल रही थी अच्छे से, अपना लास्ट डे लास्ट नाइट आया मैं फिर से स्पेंड की, एंड नेक्स्ट डे वापस आए। सो गाइस ये हमारी आखिरी रात है, कॉन्वोकेशन कंप्लीट हो चुकी है, डिग्रीज हमें मिल चुकी हैं, वीडियोस फोटोज बन चुकी हैं, एंड एमबीए लाइफ हमने एक बार दोबारा जी ली है, एंड इसी के साथ हमारा कॉन्वोकेशन ब्लॉग भी यहीं ख़त्म होता है, एंड फाइनली जो एक होप थी एक बार फिर से लाइफ जियेंगे ये एमबीए वाली, ये भी हमने जी ली यार। तो बस इस ब्लॉग के लिए इतना ही था, सच में बहुत ज़्यादा मिस करूंगा मैं, तो मैं बता नहीं सकता अभी ना लास्ट रात कैंपस में तो कैसा महसूस हो रहा है, पहले तो ऐसे था ना कि चलो एक बार मिलने आएंगे लोग, अब हो गई, अब फाइनल हो गया, टाटा बाय बाय चलो खत्म, एंड ऐसे भी हो रहा है, तो खुशी बहुत ज़्यादा हो रही है, सच में जैसे मम्मी पापा को लेके आया था मैं अपने, एंड मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल फीलिंग थी। चलो अभी चलते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, एंड सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज, एंड बता दो आपका बेस्ट मोमेंट कौन सा था इस वीडियो का। Not supposed to be honest, yeah. I should say that I want you. And I'm supposed to play hard to get. And I shouldn't have read that book that you lent me. And I shouldn't tell you I cried at the end of it, no. But I will.